संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम लौजी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। काला नमक और सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटे हुए आम, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, मेथी और गुड़। स्टार्ट करते हैं, गैस पर कढ़ाई रखेंगे और हम गैस को ऑन कर देंगे, ठीक है, तेज फ्लेम में, और तेल डालेंगे। इसको धीरे करेंगे, मिर्ची डालेंगे, जीरा और मेथी डालेंगे, राई डालेंगे और इस तरीके से चलाएंगे। काट करके धो करके ठीक कर रखा है, वो डालेंगे और इसे चला देंगे, इसे थोड़ा सेकेंगे। ऐसे कलर चेंज हो गया है और हम इसमें अपनी लाल मिर्ची डालेंगे और इसे बराबर से चला देंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, जो कि आधा चम्मच से कम लिया था, एक तिहाई चम्मच लिया था। काला नमक डालेंगे, एक चौथाई चम्मच। सफेद नमक डालेंगे, ये भी एक चौथाई चम्मच। नमक स्वाद अनुसार आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। अब पानी ऐड करेंगे, एक गिलास पानी ऐड करेंगे। अब इसे ढक करके रख देंगे धीमी आंच पे, गैस की आंच को बिल्कुल मंदी कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। आप इसलिए हम चम्मच से चेक करेंगे, ये देखिए ये बढ़िया टूटने लगा है, इसका मतलब पक गया है। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे, वो 150 के करीबन लिया। ये खट्टी मीठी लौजी बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अपना जीरा पाउडर, जो हमने भून करके रखा था, इस तरीके से चुटकी से डालेंगे ये, और इसको बराबर से मिला देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी उबाल आ रही है, कितनी गाढ़ी हो गई है, बढ़िया, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप जरूर